गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, टुडे वी स्टार्ट इम्यूनिटी एंड ब्लड ग्रुप पार्ट 4। कल हमने पढ़ा था कि जब हम ब्लड कलेक्ट करते हैं तो हम क्या क्या चेक करते हैं, ठीक है। तो हमने उसके दो पार्ट्स पढ़ लिए थे, अब तीसरा पार्ट क्या है? तीसरा पार्ट है स्टोर्ड एट लो टेम्परेचर। हम अपने फ्रिज से ही लेके चलते हैं, कभी भी हम कुछ भी रात को खाना बच गया या फिर वेजिटेबल्स, हम कहाँ स्टोर करते हैं? फ्रिज में स्टोर करते हैं, ठीक है। यही इसी तरीके से अगर हम ब्लड कलेक्ट कर लेते हैं तो उसे कहाँ स्टोर करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में। अब इसके बाद हम ये देखते हैं उसे कोई बीमारी तो नहीं है, टेस्ट करते हैं HIV, हेपेटाइटिस, ठीक है। ABO ग्रुपिंग चेक होती है, कौन सा ब्लड ग्रुप है, क्या है क्या नहीं है, ठीक है। RH फैक्टर चेक होता है, पॉजिटिव है या फिर नेगेटिव है। देन उसके बाद अब किसी ने खून दे दिया तो उसका जो प्लाज्मा है, खून दे दिया तो उसके बॉडी से भी तो लॉस हुआ है ब्लड का, तो कितने दिन में रिकवर हो जाएगा प्लाज्मा? 2 या 3 डेज में। कितने डेज में? 2 या 3 डेज में। RBCs कितने डेज में हो जाती है? 36 डेज। विच डेज? 36 डेज, ठीक है। अब क्या होता है, 120 डेज में जो पुरानी RBCs होती है वो क्या हो जाती है? डेड। और न्यू क्या हो जाती है? बॉर्न। तो इसीलिए 36 डेज में जो है वो है क्या हो जाती है? डिस्ट्रॉय हो जाती है, ठीक है। समझ आ गया? जब ब्लड कलेक्ट करते हैं तो क्या स्टोर करते हैं? लो टेम्परेचर पे। किस पे? लो टेम्परेचर पे। डिजीज चेक करते हैं, उन्हें कोई डिजीज तो नहीं है। RH फैक्टर चेक करते हैं, क्या चेक करते हैं? RH फैक्टर, ABO ग्रुपिंग, और जो प्लाज्मा है वो कितने दिन में रिकवर हो जाता है डोनर का? 2 या 3 डेज में। और RBCs 36 डेज, ठीक है। नाउ अब हम इसके बाद पढ़ेंगे ब्लड ट्रांसफ्यूजन, कि ब्लड का ट्रांसफर कैसे होता है। ब्लड ब्लड ट्रांसफ्यूजन, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करते हैं भाई? मैचिंग करते हैं। क्या करेंगे? जब खून चढ़ाएंगे किसी को भी तो क्या करेंगे? मैचिंग किसकी? ब्लड ग्रुप की और RH फैक्टर। अब इसमें कुछ नया तो है नहीं। अब आप लोग कहीं पे भी जाते हो तो फिर आम का जूस बनाना है, मैंगो शेक। तुम मैंगो शेक बना रहे हो तो उसमें मैंगो ही मिलाओगे, ठीक है। तो ऐसे ही अब किसी का ये ब्लड ग्रुप है तो उसका चढ़ाने वाला कौन सा चाहिए? ए ही चाहिए। और RH पॉजिटिव है तो फिर इसमें भी क्या होना चाहिए? पॉजिटिव। तो ये पहले क्या होती है? मैचिंग होती है, ठीक है। थ्री मिनट्स बिफोर ट्रांसफ्यूजन चढ़ाने से 20-30 मिनट पहले कहाँ से ले लेना चाहिए इसको? ब्लड बैंक से। कहाँ से ले लेना चाहिए? ब्लड बैंक से निकाल लेना चाहिए। क्यों? क्योंकि ब्लड बैंक में इसको कहाँ स्टोर करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में। ब्लड बैंक में कहाँ स्टोर करते हैं? कोल्ड स्टोरेज में। तो जब ब्लड खून चढ़ाते हैं तो उससे 30 मिनट पहले क्या करना चाहिए? इसको वहाँ से निकाल लेना चाहिए। अब भाई ब्लड चढ़ाने में कितने घंटे लगते हैं? 4 घंटे। कितने घंटे? 4 घंटे, ठीक है, 4 घंटे लगते हैं। अब आपने देखा होगा कभी भी हॉस्पिटल में किसी डोनर को ब्लड वगैरह ट्रांसफ़र हुआ हो तो क्या होता है कि जो ड्रिप होती है वो यहाँ लगा देते हैं, यहाँ पर, कहाँ पर? यहाँ पर। तो उसको जो कह रहे लोग होते हैं उसकी स्पीड बहुत स्लो कर देते हैं। क्यों? ज़्यादा स्पीड कर देंगे तो स्वेलिंग आ जाती है वहाँ पे। क्या आ जाती है? स्वेलिंग आ जाती है। तो ये देख लो भाई, पहले क्या करते हैं? मैचिंग करते हैं, फिर 30 मिनट पहले खून चढ़ाने से 30 मिनट पहले उसको ब्लड बैग से निकाल लेते हैं और
पूरा ब्लड चढ़े में कितना टाइम लगता है? 4 घंटे लगते हैं। अब सिम्टम्स क्या क्या होते हैं जब हम ब्लड ट्रांसफर करते हैं? क्या क्या होते हैं? फीवर, थोड़ा सा फीवर आ जाएगा, फिर क्या, शिवरिंग, ठंड लगने लग जाएगी, हार्ट बीट जो है उस, अब ब्लड आएगा बॉडी में तो हार्ट थोड़ा डिसबैलेंस तो होगा ही, क्यों, उसको सारे ब्लड को ऑक्सीडेट करना होगा, पंप करना होगा पूरी बॉडी में, ठीक है। तो क्या होगा? फीवर, शिवरिंग, ठंड लगनी स्टार्ट हो जाएगी, और जो हार्ट बीट है वो या तो तेज़ हो जाएगी या फिर मंदी हो जाएगी। बाय द वे तेज़ होती है क्योंकि वर्क जो करना पड़ता है उसे फास्ट फास्ट करना पड़ता है, ठीक है। ये हो गए भाई सिम्टम्स। अब जो ये ब्लड ट्रांसफ्यूजन होता है ये 2 तरीके का होता है। कौन कौन सा? एलोजेनिक, ऑटोजेनिक, ठीक है। एलोजेनिक में क्या होता है? अनदर पर्सन ब्लड, ठीक है। और इसमें क्या होता है? सेल्फ। अब इसमें क्या होता है? किसी और का खून लिया, किसी और को चढ़ा दिया, ठीक है, ये होता है। किसी और का ब्लड लिया, किसी और को चढ़ा दिया। सेल्फ में क्या होता है? खुद ही का ब्लड खुद ही में चढ़ा दिया, ठीक है। अब ये किस में होता है बेटा? ये डायलिसिस में होता है सेल्फ। ऑटोजेनिक किस में होता है? डायलिसिस में। क्या होगा कि ये ब्लड लिया, ये मशीन है, इसमें ब्लड गया और यहाँ से फिर यहाँ। ये डायलिसिस कब होता है? जब किसी की किडनी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है। क्या हो जाती है? खराब। किडनी क्या हो जाती है? खराब हो जाती है, तो डायलिसिस होता है, ठीक है। तो ये कंडीशन पे डिपेंड करता है, क्या, एलोजेनिक और ऑटोजेनिक, 2 तरीके का क्या होता है? ट्रांसफ्यूजन। अंडरस्टैंड? इसके बाद आता है बेटा जब हम सेपरेशन करते हैं, क्या करते हैं? ब्लड सेपरेशन। क्या करते हैं? ब्लड सेपरेशन करते हैं। तो क्या होता है? प्लेटलेट्स, प्लेटलेट्स, प्लाज्मा और आरबीसी सेल्स। क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है। क्या हो जाती है? अलग अलग हो जाती है, इनको सेपरेट। अब किसी की जब डेंगू होता है तो प्लेटलेट्स की जरूरत होती है, तो बस खाली प्लेटलेट्स चढ़ा देते हैं। खुरी का भी होती है तो आरबीसी चढ़ा देते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से जिसको जिस चीज़ की जरूरत होती है उसको वही चीज़ चढ़ाई जाती है। देन नेक्स्ट उसके बाद आता है क्या? प्रिकॉशंस। क्या आता है? प्रिकॉशंस। क्या आता है? प्रिकॉशन। प्रिकॉशन में भी यही होता है, फर्स्ट मैचिंग, किसकी, एबीओ ग्रुप, आरएच फैक्टर, सेकंड डॉक्टर की अंडरटेक, ठीक है। थर्ड डिजीज देखते हैं, अच्छा ही भी नहीं है, हेपेटाइटिस, ठीक है, ये सब देखते हैं। और खून का होना चाहिए, कोल्ड स्टोरेज, ठीक है। क्या मैचिंग,
डॉक्टर की उसमें होना चाहिए निगरानी में, हेपेटाइटिस या ऐसे जो अच्छा ही तो नहीं है। और ब्लड को कहाँ से कोल्ड स्टोरेज से कितनी देर पहले निकाल लेना चाहिए, 30 मिनट पहले। अब इसके बाद क्या होता है बेटा, एक क्वेश्चन आता है, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है, ये एग्जाम में भी आता है। तो मदर है, उनका ब्लड ग्रुप है ए, इनका मदर का, ठीक है, मदर का ब्लड ग्रुप क्या है ए, फादर का क्या है बी, फादर का ब्लड ग्रुप क्या है। अब देखो मैंने ये बताया था प्रीवियस क्लास में, देखो ए आई ए और आई ए क्या होगा, ए आई ए एंड आई ये भी क्या होगा ए। अब इधर देखो आई बी एंड आई बी क्या होगा बी, आई बी एंड आई क्या होगा, ठीक है। अब ये होगा, अब ये जो क्वेश्चन है इसमें क्या पूछा जाता है कि देखो मदर का ब्लड ग्रुप है ए एंड फादर का है बी, देन जो चाइल्ड होगा उसका ब्लड ग्रुप क्या होगा, ठीक है। तो अब इसमें देखो क्या होता है, फर्स्ट फर्स्ट कंडीशन ये देखो, ये ले लेते हैं ये वाला और ये वाला, ठीक है, आई ए एंड आई बी ठीक है। अब ये और ये आई ए आई बी, अब ये सॉरी ये और ये, अब ये और ये, ठीक है, तो ये क्या हो गया आई ए एंड आई बी, अब ये और ये आई ए ठीक है आई ए एंड आई बी ठीक है। तो बेटा इसमें क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप, और इसमें भी क्या होगा ए बी ब्लड ग्रुप, तो बच्चे का ब्लड ग्रुप क्या होना चाहिए ए बी। अब देखो ये हो गया एक, तो अब उसके बाद ये लेते हैं आई ए एंड आई बी एंड आई बी, तो इसके बाद क्या होगा देखो, इसको और इसको किया, इसको इसको इसको, ये क्या हो गया आई ए आई बी, ठीक है, ये और ये आई ए आई बी, ये क्या हो गया आई बी आई बी आई, तो इससे तो बना ए बी ब्लड ग्रुप और इससे क्या बना, ठीक है। तो ये होता है, अब कंडीशन आती है सेकंड, कौन सी कंडीशन आती है सेकंड कंडीशन। अब इसमें क्या होता है आई ए आई ए आई बी एंड आई, ठीक है, देन अब इसमें क्या होगा
आई ए आई बी आई ए एन आई आई ए आई बी एंड आई ए एंड देन आई। अब इसका मतलब तो हो गया भाई ए बी ब्लड ग्रुप, इसका ए ए बी ए, समझ आ गया, ये जेनेटिक्स में पढ़ा था हमने, ठीक है। तो अब क्या ब्लड ग्रुप हो सकता है ए बी ए और बी, ये तीन कंडीशन है, ठीक है। तो अब वो डिपेंड करता है कि बच्चे का क्या ब्लड ग्रुप है, ठीक है। तो ओ नहीं हो सकता, ए बी ए या फिर बी। तो बस इतना ही चैप्टर है बेटा आपका, ये यहाँ तक ख़त्म हो जाता है। इसके बाद एक टॉपिक और आया है आपके सिलेबस में, क्या, ऑर्गन डोनेशन। क्या, ऑर्गन डोनेशन, क्या है ऑर्गन डोनेशन, अब इसमें क्या होता है, एक डेड बॉडी है, एक इंसान मर गया उसकी डेड बॉडी है, तो वो 50 लोगों की जान बचा सकते हैं उसके ऑर्गन्स, कितने परसेंट, 50%, इतने ऑर्गन्स उसमें क्या करते हैं, वर्क करते हैं सॉरी, ठीक है। अब ये ऑर्गन डे मनाया जाता है 13 अगस्त, क्या मनाया जाता है, ऑर्गन डे। कितनी से 18 से 90 एज के पर्सन क्या कर सकते हैं ऑर्गन डोनेट, ठीक है, ये समझ आ गया। अब ये क्या होता है कि डेड बॉडी है तो उसके ऑर्गन्स वर्क कर रहे हैं, तो अब वो किसी को डोनेट कर देगा तो किसी गरीब के काम आ जाएंगे, ठीक है। और 13 अगस्त को क्या मनाया जाता है, ऑर्गन डे। और 18 से 19 साल तक के क्या कर सकते हैं, ऑर्गन डोनेट। अब देखो बेटा इसकी इम्पोर्टेंस क्या होती है, क्या इम्पोर्टेंस, जब 2 लाख किसकी जरूरत होती है, किडनी की, तो सिर्फ कितनी किडनी मिल पाती है, 7 से 8 हज़ार, ठीक है। जब 50 हज़ार हार्ट की जरूरत होती है तो सिर्फ 15 से 20 हार्ट मिल पाते हैं। जब 50 हज़ार लीवर की जरूरत होती है तो सिर्फ 700 लीवर मिल पाते हैं। तो इसीलिए हर साल 5 लाख लोगों की डेथ होती है, किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑर्गन की वजह से, लैक ऑफ ऑर्गन। कितने लाख, 5 लाख लोग हर साल मरते हैं, किसकी वजह से, लैक ऑफ ऑर्गन्स की वजह से। तो हम तो मर जाते हैं, एक ह्यूमन बीइंग तो डेड हो जाता है, तो उसकी बॉडी का क्या करते हैं, जला देते हैं, ठीक है, कोई अपने पास थोड़ी रखता है। अब वही बॉडी के ऑर्गन्स किसी के काम आ जाए तो इससे अच्छा तो कुछ नहीं हो सकता ना। एक डेड बॉडी 50 पीपल्स के काम आ सकते हैं, 50% के। देन हमें ऑर्गन डोनेट करना चाहिए, ठीक है। कुछ लोग करते हैं, फॉरेन कंट्रीज़ में ये है रूल, पर हमारे में, हमारे देश में क्या करते हैं, हर चीज़ को किससे जोड़ लेते हैं, धर्म से, ठीक है, इसलिए ये लोग इससे पीछे हट जाते हैं। पर ऑर्गन डोनेट करने चाहिए, क्योंकि डेड होने के बाद तो कुछ काम भी ही नहीं है हमारी बॉडी, ठीक है, ऑर्गन डोनेट करेंगे किसी के काम तो आएगा, ठीक है। नाउ 4 चैप्टर इज कम्प्लीट, किसी की कोई भी क्वेरी हो तो बेटा आप मेरे से कमेंट करके पूछ लेना, ठीक है, थैंक यू।